नमस्कार। आज मैं बात कर रहा हूं देव गुरु बृहस्पति ग्रह के बारे में। बृहस्पति ग्रह जुपिटर प्लैनेट ब्रह्मांड में शनि के बाद दूसरे बड़े ग्रह हैं, वो सबसे दूर, और जो कि आपके धन के कारक हैं, आपके गृहस्थी के कारक हैं, आपकी विद्या ज्ञान शिक्षा हर एक चीज के कारक ग्रह हैं, और आपके स्वास्थ्य के कारक ग्रह, यानी कि बृहस्पति महाराज का बहुत बड़ा रोल है हर इंसान की जिंदगी में। वैसे तो सभी ग्रहों का है, लेकिन जुपिटर प्लैनेट का बहुत मेन रोल आता है, क्योंकि धन के बिना कुछ नहीं है, और धन के मालिक बृहस्पति ग्रह के बिना कुछ नहीं हो सकता। और जोडियाक में, यानी ब्रह्मांड में, सूर्य राजा है, और उसके बाद बृहस्पति जो है वो मंत्री है, और खजाने का भी काम उन्हीं के पास है, यानी कि धन भाव के मालिक, सोना, गोल्ड, मेटल, जो जिसके बिना आपकी दुनिया की करेंसी एक्सचेंज नहीं होती, उसके मालिक हैं। चलिए, ये बात थी जुपिटर ग्रह के बारे में ब्रह्मांड की। अब मैं बात करता हूं कि वो ट्रांजिट में 22 अप्रैल 2023 अक्षय तृतीया के दिन अश्विनी नक्षत्र में मेष राशि में संचार शुरू कर चुके हैं, और पहले वो अपनी ही राशि मीन राशि से संचार में थे, अब वो अपने मित्र मंगल की मेष राशि में संचार शुरू कर रहे हैं। देखिए कि बृहस्पति ग्रह का मंगल की राशि में संचार, फायरी प्लैनेट इन द फायरी साइन, बहुत अच्छी बात है, और वहां पर पहले से ही सूर्य, बुध और राहु संचार कर रहे हैं। सूर्य बुध का संचार ठीक है, मगर राहु का संचार बृहस्पति के साथ, गुरुदेव के साथ, जुपिटर प्लैनेट के साथ चंडाल योग बना देता है। देवता और राक्षस इकट्ठे हो गए तो चंडाल योग पैदा हो जाता है। चंडाल योग में थोड़ा सा शुभ कार्यों में संपन्न होने में दिक्कतें आती हैं। मान लीजिए कि जुपिटर प्लैनेट आपकी कुंडली में सही बैठे हैं, दूसरे, पांचवें, नौवें, ग्यारहवें भाव में कहीं बैठे हैं, और आपके संचार के दौरान भी वो सही चल रहे हैं, और आप समझ रहे हैं कि जुपिटर प्लैनेट सब कुछ देगा, नहीं, ऐसे समय में थोड़ी सी कार्यों की संपन्नता में दिक्कत आती है, परेशानियां आती है। चलिए, ये बात थी राहु और बृहस्पति के चंडाल योग के बारे में, चर्चा के बारे में। मगर जुपिटर प्लैनेट देव गुरु, क्योंकि वो ज्ञान के भी मालिक है, अतः वो सिचुएशन को कंट्रोल कर लेते हैं, यानी के राहु की ज्यादा से चलने नहीं देंगे। मगर साथ साथ कुंभ राशि से शनि की भी दृष्टि है गुरुदेव पर। शनि का एस्पेक्ट कोई अच्छा नहीं होता, दबाव वहां से भी है, अतः संघर्ष के बाद ही कार्यों में संपन्नता संभव है। अब मैं बात करता हूं पर्टिकुलर राशियों के बारे में। आपको बताना चाहूंगा कि मेष राशि से जैसे बृहस्पति ग्रह गुजर रहे हैं, तो आपके लिए स्वाभाविक है कि साथ में राहु हैं, तो आप थोड़ा सा अपनी ईगो पे ध्यान देंगे, और थोड़ा सा दिमाग से काम लेंगे, बुद्धि से कार्य करेंगे, आप सफलता जरूर लेंगे। आप की औलाद से भी फायदा होगा, आपकी औलाद को भी फायदा होगा, अगर आप एजुकेशन में हैं तो वहां फायदा होगा,
शादी विवाह के मामले में भी फायदा करेंगे, मेल फीमेल कोई भी है, और साथ में आपके भाग्य उदय और लॉन्ग जर्नी में भी फायदा करेंगे। टॉर्स राशि की मैं बात करूं तो आपके जैसे बृहस्पति ग्रह बारहवें होंगे तो थोड़ा सा खर्चों पे अपना ध्यान रखें, सोच समझ के करें, लेन देन के कार्य भी सोच समझ के करेंगे तो फायदे में रहेंगे, और साथ में स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें क्योंकि राहु साथ में है, वायरल डिजीजेज ये वो काफ़ी चलती हैं, तो ऐसे समय में ध्यान रखें। अब मैं बात करूं मिथुन राशि की, बहुत अच्छा संचार है आपका बृहस्पति ग्रह का, मगर आप अपने दोस्तों से कहीं धोखा ना खा जाएं, ऐसे में सावधानी रखें, और लट्टा सट्टा जुआ लॉटरी आदि में भी ध्यान से रहें। इसके साथ साथ मैं कहूँगा कि बुरे व्यसनों से जितना बचेंगे उतना ही आप गेंस उठाएंगे, फायदा होगा। बात करूँ मैं कर्क राशि की तो बृहस्पति ग्रह जो है आपके, अगर आप सर्विस वगैरह के लिए भटक रहे हैं, परेशान हैं, पैसे की तंगी आई हुई है, तो भागा दौड़ करने से आपके कार्य जरूर करवाएंगे मगर मेहनत के बाद। सिंह राशि के जातकों के लिए लंबी यात्राओं से आपको फायदा होगा, देश विदेश की अगर जाने की तैयारी है कहीं तो भी आपको फायदा करेंगे और आपके पैसे का इंतजाम भी करवाएंगे। फिर मैंने बताया जैसे कि संघर्ष थोड़ा सा जरूर होगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ कन्या राशि की, आपका बृहस्पति ग्रह जो है वो थोड़ा सा गलत जगह से संचार कर रहे हैं, अगर कुंडली में ठीक बैठे हैं तो इस संचार से ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी आठवें भाव का संचार अच्छा नहीं होता। आप अपने स्वास्थ्य के प्रति खास करके जो है सांस की बीमारियां हैं, जैसे लीवर की बीमारियां हैं, जैसे जहां बृहस्पति ग्रह डील करते हैं ज़्यादातर, और आठवें भाव में जहाँ की लगभग नीचे शरीर के बॉडी के नीचे के भाग से आप थोड़ा सा सावधानियाँ रखें और गाड़ी वगैरह भी ध्यान से चलाएंगे तो ठीक रहेंगे, उसी तरह से पैसे के लेन देन के मामले में भी ध्यान रखें। तुला राशि के जातक शादी विवाह में आपकी मदद करेंगे, व्यापार में मदद करेंगे, पॉलिटिकल लाइन में मदद करेंगे, और इसके साथ साथ आपके जो बुरे तरह के खर्चे हैं यानी के ज़्यादा हो रहे हैं उनसे भी आपको बचाने की कोशिश करेंगे। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जो है बृहस्पति ग्रह छठे भाव से जैसे गुजरेंगे तो आप अपने दुश्मनों पर हावी होंगे, बीमारियों से भी आपको बचाएंगे, मगर राहु साथ में है फिर भी सावधानी जरूरी है। बात करूँ मैं धनु राशि की, आपके अगर एजुकेशन में है तो बहुत फायदे में रहेंगे और आपके भाग्य साथ देगा, नो वरीज। इसी तरह से बृहस्पति महाराज आपके पैसों के मामले में भी फायदा करेंगे और दोस्तों से आपको फायदा दिलवाने की भी कोशिश करेंगे। मकर राशि के जातक आपको भूमि भवन वाहन में आपके मदद होगी, बुजुर्गों का आशीर्वाद जितना लेंगे उतना ही आप प्रोफेशनली भी साउंड करेंगे। उसके बाद कुंभ राशि के जातक आप छोटे बहन भाइयों से संबंध अच्छे रखेंगे तो फायदे में रहेंगे और इसी तरह से आपकी यात्राओं से भी फायदा होगा। बात करूं मीन राशि की तो आपके धन भाव में वृद्धि के चांस हैं, कुटुंब में भी आप ठीक तरह से व्यवहार रखेंगे तो सही रहेगा और साथ ही साथ अपनी वाणी पे सही कंट्रोल रखेंगे तो आप काफ़ी फायदा उठा सकते हैं इस संचार के दौरान। ये थी राशियों की बात। अब मैं बताना चाहता हूँ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से कि जैसे जैसे मैंने बताया कि बृहस्पति ग्रह का संचार कहाँ कहाँ से है, तो बृहस्पति ग्रह आपके हेल्थ में श्वास बृहस्पति महाराज के कंट्रोल में है, आपका
यानी कि जीवन जो है वो बृहस्पति महाराज ही है। तो आप ऐसे समय में बीमारियों से बचने के लिए, अगर मैंने जैसे बताया गलत राशियों पर से बैठे हैं कुंडली में भी और संसार में भी, तो आप अपना ध्यान रखें सांस की बीमारियों से, और इसी तरह से लीवर की बीमारियां जितनी हैं, पीलिया वगैरह होता है, तो ये बृहस्पति की कमजोर होने से या दुर्व्यसन में जाने से बृहस्पति कमजोर हो जाते हैं शराब आदि की लत पड़ने से। उसी तरह से बृहस्पति जैसे आप जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना ही आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। पर्टिकुलरली लेडीज के लिए गृहस्थी के कारक ग्रह, आपकी गृहस्थी चाहे बच्चे हैं, चाहे धन है, चाहे पति है, जो भी है आपके कारक हैं, आप बृहस्पतिवार के दिन जरूर बृहस्पति ग्रह के मंत्र उच्चारण, ओम गुरुवे नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, सिंपल मंत्र हैं आप करें। उसी तरह से आप केले का पेड़ है, केले आदि का नीडीज को दान करें, और धर्म स्थान पर केला लगवा सकते हैं, धर्म स्थान पर केले की आप जो है पूजा कर सकते हैं, केले में पानी देकर आएं, मंदिर में जाएं, विष्णु जी की उपासना करें, उतना ही आपको फायदा होगा। तो ये बृहस्पति ग्रह के बारे में, और बृहस्पति ग्रह आप जितना कोशिश हो वीरवार के दिन आप शुद्ध रहें तो उतना ही ठीक रहेगा और रिलीजियस रहें। तो ये था बृहस्पति ग्रह के संसार के बारे में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको हल्के में मत लीजिएगा, यानी आपके जीवन से जुड़ी हुई सारी समस्याएं। हाँ, बृहस्पति ग्रह का ये संसार 1 मई 2024 तक चलेगा और 22 अप्रैल से शुरू हुआ है, तो इसमें आप बृहस्पति ग्रह से आप फायदा उठा सकते हैं, फायदा उठाइए, यही मेरा आपको संदेश है। धन्यवाद, नमस्कार। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और इसी तरह की और अधिक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।